नमस्कार दोस्तों, बालाजी एमबीए के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम फेडरल ट्रेड थ्योरी के बारे में टॉपिक के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसी वजह से मैंने पिछले टॉपिक में आपको बड़ा बताया था कि आग क्या होता है और उसको किस प्रकार से बुझाया जाता है किस साधन के द्वारा। उसी के आगे आज हम बात करते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा। जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। असल में प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है कि कहीं पे भी अगर इंडस्ट्री में वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं और उस समय पर कोई दुर्घटना होती है, तो हमें सबसे पहले जो उसके साथ दुर्घटना से संबंधित कोई भी उसका बचाव करते हैं या सबसे पहले उसका कोई उपचार करते हैं, तो वही कहलाता है हमारा प्राथमिक उपचार। जैसे मान लीजिए आपने किसी खुशी को कोई हाथ में कोई कट का निशान लगा है और खून बह रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले वहां पर खून को जो बह रहा है उसे रोकना चाहिए, तो वही हमारा कहलाता है प्राथमिक उपचार में, वही हमारा कहलाता है फर्स्ट एड। इसी प्रकार से कोई अन्य दुर्घटना हो जाती है तो डॉक्टर के आने से पहले जो भी चिकित्सा उसके साथ हम प्रयोग में लाते हैं वही हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। असल में होता है कि कभी जब बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए और जितना भी हो सके संभव हो सके उसे हम पहले से पहले प्राथमिक चिकित्सा दें। अब इसके बारे में मैं प्राथमिक चिकित्सा जो है इसके बारे में कुछ निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को बताऊंगा कि निर्देश क्या क्या होते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को हमें ध्यान रखना चाहिए और किसी भी घायल व्यक्ति के साथ उसको प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि तो सबसे पहले बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसके आसपास हमें भीड़ नहीं लगानी चाहिए, जिससे कि अगर भीड़ भाड़ लगाएंगे उसके चारों ओर भीड़ रखेंगे तो वो उसे और घबराहट होगी और उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जब आते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर घायल हुआ है तो उसे दुर्घटना वाला जो स्थान होता है उस स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर लेटाना चाहिए। अगर वो लेटने की स्थिति में नहीं है तो उसे कुछ ऐसे प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए कि उसे कुछ आराम मिले उसके शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमें निर्देश मिलते हैं उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, कोई दुर्घटना हुई है और वो बेहोश हो गया है, तो उसे सबसे पहले हम करते हैं कि उसके मुंह पे पानी या छींटे मार देते हैं या फिर उसे चूने के साथ में मसाला मिलाकर सुखा देना चाहिए, जो कि हमारी प्राथमिक चिकित्सा है। अगर इस तरह से हम इन चीज़ों को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएंगे तो उसके होश आ जाएगा और आसानी से उसे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। होता क्या है कि एक और नया एक निर्देश है, जैसे कि जैसे कोई व्यक्ति अगर घायल हुआ है तो उसका जो प्राथमिक चिकित्सा जो भी व्यक्ति करेगा वो ऐसा होना चाहिए कि खून वगैरह निकल रहा है या फिर घायल व्यक्ति को देख के उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वही घबराएगा तो फिर उसका प्राथमिक चिकित्सा उसको पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट निर्देश जो है नया, इनको हम बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति घायल है हुआ है तो अगर उसका हमें कारण पता चल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई विद्युत के कारण घायल दुर्घटना हुई है या मशीन के द्वारा कोई भी दुर्घटना हुई है, तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों के जैसे अगर विद्युत से हुई है तो उसका मशीन का लाइट का जो स्विच है उसे बंद करना चाहिए, अगर मशीन से हुई है तो जहाँ से मेन सप्लाई है उसकी वो बंद करना चाहिए। इससे ठीक इसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति घायल हुआ है और अगर लगता है कि हमारी प्राथमिक चिकित्सा के कारण से वो उसमें आराम नहीं मिल सकता है और दुर्घटना जो हुई है बड़ी हुई है, तो इंतजार नहीं करना चाहिए और उसे तुरंत उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आज आपको बताता हूँ जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा हम करते हैं तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा किट होती है, प्राथमिक चिकित्सा किट प्रयोग में लाई जाती है। उसके बारे में बताऊंगा कि प्राथमिक चिकित्सा किट में हमारा क्या 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 सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको किट के बारे में बताता हूँ कि प्राथमिक चिकित्सा किट होती है उसे जब प्रयोग में लाया जाता है उसमें कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको प्राथमिक चिकित्सा किट में सबसे पहले पट्टियाँ, जैसे कि कोई भी दुर्घटना होती है तो कोई रक्त बह रहा है कुछ भी है तो उसके लिए आपके रखते हैं तो पट्टियों का यूज करना जरूरी है, पट्टी ही हमारे जो किट है उसमें आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा
एडहेसिव टैग, क्योंकि जो पट्टियां होती है उनको कुछ स्थान पे तो हम बांध सकते हैं, मगर कुछ स्थान पे ऐसा होता है कि हम पट्टी उस पर नहीं बांध सकते, तो हम जो करते हैं कॉटन जो होता है हमारा उसमें हम अपना एंटीसेप्टिक ट्यूब वगैरह लगाकर उनको हम क्या करते हैं कि उनको टैग के द्वारा हम आसानी से चिपका सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कॉटन रोल, कॉटन रोल होना चाहिए अच्छा साफ कॉटन रोल होना चाहिए, जिसे हम कहीं भी उसमें अपने दुर्घटनाग्रस्त जो भी एरिया है जो कि हमारा शरीर का जो भी अंग है उस पर हम उसे साफ उससे पहुँच सकें और उस पर हम उसे प्रयोग में लाकर किसी पट्टी को आसानी से बांध सकें। नेक्स्ट देखिए प्लास्टर, प्लास्टर के लिए अगर मान लीजिए प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें प्लास्टर होना चाहिए, कि अगर हमें वाइट हो गया कुछ ऐसा लग रहा है कि हम अभी यहाँ पे इसमें प्राथमिक चिकित्सा के रूप में इसको हम प्रदान कर सकते हैं और घायल व्यक्ति को कुछ आराम मिल सकता है तो हम वहाँ पर प्लास्टर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैंची, कैंची होनी चाहिए क्योंकि पट्टी काटनी है किसी भी, अगर आपको कुछ भी खाल अगर किसी भी ऐसी जगह पे है तो उसे हमें साफ करना है तो काटने के लिए हमें कैंची होनी जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा चिमटी, हमारी जो किट होती है उसमें चिमटी होती है, एक बड़ी चिमटी भी होती है एक छोटी चिमटी भी होती है, तो दोनों प्रकार की चिमटियाँ उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुई, सुई होनी चाहिए क्योंकि कभी भी हो सकता है कि हमें कुछ भी पट्टी पे लगाने के लिए टाँका लगाना है कुछ भी, तो हम उसमें सुई के द्वारा वहाँ पर आसानी से टाँका लगा सकते हैं। नेक्स्ट है तौलिया, एक सूखा हुआ तौलिया भी होना चाहिए क्योंकि कोई घायल व्यक्ति है या उसके फेस पे पानी डालना है कुछ करने के बाद में साफ करने के लिए, या फिर कोई अगर पे चोट ज़्यादा लगी है तो साफ करने के लिए, अगर हम रक्त ज़्यादा बह रहा है तो तौलिया सूखा हुआ होना चाहिए जिससे कि हम उसे उस पर लगाकर प्रयोग में ला सकें। नेक्स्ट है साफ कपड़े, तो जो टूल किट होती है हमारी फर्स्ट एड किट उसमें क्या होता है कि कुछ साफ कपड़ों के टुकड़े होने चाहिए साथ में, क्योंकि हमें जब रक्त बह रहा है या फिर कोई घाव है तो साफ करना है तो वहाँ पे कुछ कपड़ों को साफ करने के बाद फेंकना ही पड़ता है, इसलिए हमारे पास कुछ मात्रा में टुकड़े होने चाहिए साफ कपड़ों को। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक होना चाहिए। एंटीसेप्टिक में होता है जैसे कि हमारे डेटॉल आता है या सेवलॉन आता है तो एंटीसेप्टिक में रखा होना चाहिए, जैसे कोई किसी को दुर्घटना हुई है उसको कहीं पर रक्त बह रहा है या उसका कोई चीज ब्लेड से हाथ कट गया है तो एंटीसेप्टिक के द्वारा हम साफ कर लेंगे, साफ करने के बाद में हम उसे पट्टी के द्वारा उसके रक्त को बहने को रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्मामीटर, जो फर्स्ट एड किट है थर्मामीटर होना चाहिए, अगर किसी को थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर कम हो गया है तो उसे आसानी से उसके द्वारा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेट्रोलियम जेल ट्यूब, और कहीं से किसी व्यक्ति के दुर्घटना के कारण अगर जल गया है तो पेट्रोलियम जेल ट्यूब जो होता है वो हमारे किट में होना चाहिए कि हम उसे लगाकर उसे कुछ कुछ समय के लिए राहत प्रदान कर सकें और हम प्राथमिक चिकित्सा उसके उसके साथ कर सकें। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिनों की आवश्यकता पड़ती है हमारे किट में कि सेफ्टी पिन हमें लगानी पड़ जाती है कहीं पर पट्टियों में कहीं पर प्लास्टर लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो सेफ्टी पिन हमारी आवश्यक रूप से वहाँ होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट साबुन, साबुन होना चाहिए क्योंकि हमें हाथ भी धुलने होते हैं और कोई भी स्थान वहाँ पर ऐसी कुछ भी आवश्यकता पड़ सकती है कि हम कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है कहीं से उठाया है कुछ भी करने के लिए तो हाँ साबुन साबुन वगैरह जो है वो होना चाहिए। अब इसके बाद में कुछ ऐसी दवाओं के नाम बताऊँगा जो कि हमें असल में किसी भी डॉक्टर की बिना अनुमति के हम जो जनरल दवाएं ले सकते हैं उन दवाओं के बारे में बताता हूँ। ठीक है देखिए अभी सही है, एक मिनट साबुन होना चाहिए। इसके बाद में कुछ दवाइयों के नाम बताने जा रहा था वो आपको बताता हूँ। देखिए मैंने बताया आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं, मतलब कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हम जनरली अगर हमें कोई समस्या हो रही है या होती है कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर हमारा स्वास्थ्य रमण होता है तो हम उन्हें आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि देखिए दर्द के लिए, जैसे दर्द हम कहीं काम कर रहे हैं अपने वर्कशॉप में या कहीं अगर दर्द होता है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं पैरासीटामोल है एस्पिरिन है, इस तरह की दवाएं जो है हम आसानी से ले सकते हैं और जो जनरली मेडिकल से हम खरीद कर और उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मधुमक्खी काटने पर, मधुमक्खी काटने का अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा डर होता है और कभी मधुमक्खी काट लेती है तो व्यक्ति ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, तो उसके लिए आती है एंटी हिस्टामाइन क्रीम जो कि मधुमक्खी काटने का बहुत ज़्यादा आराम प्रदान करती है। इसके बाद में कब्ज जैसे कभी कभी काम करते समय या ज़्यादा बैठ के काम कर रहे हैं या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो कब्ज हो जाता है तो उसके लिए भी हम मेडिकल से कोई जनरली आसानी से कोई दवाएँ खरीद सकते हैं।
तो यही फर्स्ट एड बॉक्स और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जो बताया आपको, यही आपको यूज करना है। और प्राथमिक चिकित्सा का जहां भी प्रयोग में लाई जा सके उसे उससे पहले लानी चाहिए। तो आप दोस्तों एक बार जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें और शेयर करें।